हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन और मेरे साथ है तन्वी। दोस्तों, बॉलीवुड में स्टार्स के बनते बिगड़ते रिश्ते आपने देखे ही होंगे, लेकिन स्टार्स के सालों पुराने रिश्ते टूट जाने से जितना दुख स्टार्स को होता है, उनसे कहीं ज़्यादा सदमा उनके फैंस को लग जाता है। वहीं अब हाल ही में लीजिए, बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने एक पोस्ट शेयर करके सभी को चौंका दिया है। तुमने देखा होगा। बिल्कुल यास्मीन, दरअसल दिया मिर्जा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो साहिल के साथ सेपरेट होने वाली हैं जल्द ही, और उन्होंने इस चीज़ का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सबसे पहले पोस्ट में लिखा है कि बीते 11 साल से हम साथ थे और अब आपसी सहमति से हम अलग हो रहे हैं। हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे और एक दूसरे को जहां ज़रूरत होगी सपोर्ट भी करेंगे। हम दोनों के रास्ते भले ही अलग अलग होंगे, लेकिन एक दूसरे से हर बात शेयर करेंगे। इतना ही नहीं, दिया मिर्जा ने अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और इवन मीडिया वालों को सभी को थैंक यू कहा है। उन्होंने आगे लिखा, हम अपने परिवार वाले और दोस्तों के आभारी हैं कि उन्होंने हमारी भावनाओं को समझा और हमारे फैसले का समर्थन किया। अब हम दोनों इस मसले पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहते हैं, धन्यवाद। तो इन शॉर्ट, दिया मिर्जा ने और साहिल ने, जो उनके हस्बैंड हैं, उन्होंने दोनों ने मिलकर इस पोस्ट को डाला है और सबको क्लियर किया है कि वो अब सेपरेट होने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी शॉकिंग है क्योंकि बॉलीवुड का बहुत प्यारा कपल माना जाता है दिया मिर्जा और। बिल्कुल बिल्कुल तन्वी, बता दो कि दिया मिर्जा साहिल के साथ काफ़ी लंबे टाइम से रिलेशन में थी। 11 साल से एक दूसरे को दोनों जानते थे। वहीं 18 अक्टूबर 2014 में दोनों की शादी हुई थी, जिसके बाद अब इन दोनों के इस तलाक के फैसले ने सभी को चौंका कर रख दिया है। बिल्कुल यास्मीन, मैं बता दूं सबसे पहले कि दिया मिर्जा और साहिल मिले कहाँ थे। इन दोनों की जो सबसे पहले इनकी मुलाकात हुई थी वो एक स्क्रिप्ट के थ्रू हुई थी, कि एक स्क्रिप्ट के बातचीत चल रही थी तब हुई थी, और धीरे धीरे दोनों दोस्त बने, फिर इन दोनों को प्यार हुआ। और दिया मिर्जा काफ़ी टाइम से मैरिज प्रपोजल का वेट कर रही थी कि साहिल उन्हें कब मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब न्यूयॉर्क में साहिल ने अपने नीज पर बेंड होकर दिया को प्रपोज किया, और दिया की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कान थी। वो काफ़ी इमोशनल हो गई थी, किसी ड्रीम से कम नहीं था उनके लिए। पर जो अब खबर आ रही है कि वो सेपरेट होने जा रही है, वो काफी शॉकिंग है। बिल्कुल तन्वी, वहीं तन्वी मैं बता दूं कि इसके अलावा दिया मिर्जा का जो खबर आया है उसके तुरंत बाद ही एक और खबर आई है, वो ये कि जजमेंटल है क्या कि जो फिल्म डायरेक्टर हैं वो प्रकाश कोवलामुदी और फिल्म की जो स्क्रिप्ट राइटर हैं कनिका ढिल्लन, इन दोनों ने भी तलाक लेने का फैसला किया है। और दोनों ने ये भी बोला है कि वो तलाक के बाद भी एक अच्छी दोस्त रहेंगे और दोस्ती अपनी कायम रखेंगे। बिल्कुल यास्मीन, अभी जब दिया मिर्जा की खबर आई तो सभी चौंक गए थे, लेकिन जैसे ही कनिका ढिल्लन की भी खबर आई तो समझ ही नहीं आया ये अचानक हुआ क्या, क्योंकि उनके रिश्तों को लेकर भी काफ़ी ऐसे वैसे बातें हो रही थी। के आर के ने उन पर इल्ज़ाम भी लगाया था कि कनिका अपने पति को धोखा दे रही हैं। तो वहीं अब ये तो नहीं पता कि कितना सच था उस बात में, कितना झूठ था, लेकिन अब फाइनली उन्होंने सेपरेट होने का फैसला उन्होंने भी लिया है। वहीं दोस्तों, बॉलीवुड में सिर्फ दिया मिर्जा ही एक ऐसी स्टार नहीं है, उनके अलावा अर्जुन रामपाल और मेहर, ऋतिक सुजैन जैसे कई स्टार्स हैं जिन्होंने तलाक के बाद भी अपनी दोस्ती कायम रखी है। तो वैसे तो ये बात हुई दिया मिर्जा की। वैसे आप बॉलीवुड की तमाम स्टोरीज को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।